राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटे कई इलाकों में तेज बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। आपको बता दें कि सुबह से पहले राजधानी दिल्ली में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थी और अब जाकर दिल्ली के कुछ हिस्सों में तेज झमाझम बारिश हो गई है। अब ऐसे में तेज बारिश के चलते जगह जगह पर जल भराव हो गया है, साथ ही ट्रैफिक की भी समस्या देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो दिल्ली के लिए रविवार और सोमवार को 2 दिन ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद और नोएडा में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से ही घने बादल छाए हुए थे, जिसको लेकर मौसम काफी सुहावना हो गया था। तेज हवाएं भी चल रही थी और अभी कुछ देर पहले ही बारिश झमाझम तरीके से हुई है। दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली। इसके अलावा अगर बात करें तो जो तेज बारिश के चलते जल भराव की भी समस्या सामने देखने को मिल रही है, जिसमें ITO, सुप्रीम कोर्ट, निजामुद्दीन जैसे इलाकों में जल भराव की समस्या भी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें भारतीय मौसम विभाग की, तो भारतीय मौसम विभाग ने बीते रविवार और आज सोमवार को तेज बारिश होने के आसार जताए थे, जिसको लेकर आज तेज बारिश हो गई है। मौसम में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो मौसम में इस बारिश के चलते 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में गिरावट दर्ज की गई है। तो ऐसे में दक्षिणी दिल्ली में जिस तरह से बारिश हो रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद अब मौसम सुहावना हो चुका है। वक्त सुबह का ही है और जब जो लोग हैं अपने दफ्तरों के लिए निकल रहे थे और ऐसे में तेज बारिश शुरू हो गई है। तो ऐसे में अब जो जिस तरह से मौसम में भी काफ़ी अब नरमी देखने को मिल रही है, मौसम विभाग के अकॉर्डिंग जिस तरह से कहा जा रहा था कि दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, उसका असर आज राजधानी दिल्ली में देखने को मिला है। हालांकि 2 से 3 दिन पहले जो गर्मी हल्की हल्की उमस हो रही थी और गर्मी भी लोगों को हो रही थी, लेकिन आज बारिश के बाद जो मौसम है थोड़ा सुहावना हो गया। सुबह का वक्त है, लोग अपने दफ्तरों को ले निकल रहे थे, अब बारिश की वजह से बस स्टैंड पर खड़े होकर अब इंतज़ार कर रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें कि जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ से कुछ ही दूर आगे अब जो ट्रैफिक है उसका लगना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अब जो लोग हैं उनको निकल रहे हैं घरों से और बारिश का सामना करते हुए अब अपने दफ्तरों को लिए जाएंगे। लेकिन अगर मौसम की अगर बात करें तो मौसम में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इसमें कमी देखने को मिल रही है। और ऐसे में अब जो जिस तरह से मौसम लोगों को परेशान कर रहा था, तो कहीं ना कहीं अब ये मौसम में कहीं ना कहीं राहत देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से बारिश हुई है, जगह जगह पर जलभराव और ट्रैफिक की समस्याओं से अब लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, ऐसे में आज बारिश हुई है। आने वाले दिनों में क्या कुछ बारिश होती है और कितना कुछ तापमान में गिरावट देखने को मिलती है और जिस तरह से उमस और गर्मी लोगों को परेशानी कर रही थी, उसमें कितनी कुछ सावधानी बरत की जा सकती है, राजधानी दिल्ली में जिस तरह से उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, उसमें कितनी कुछ कमी आएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।